हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कल दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को गोरखपुर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सबको सकते में डाल दिया। एक युवक ने माँ और उसकी नाबालिग बेटी दोनों को फंसा के रखा था। दोनों के साथ में उसके अवैध संबंध थे और इसका खुलासा बेहद नाटकीय ढंग से हुआ। और युवक क्या करता था आपको इस वीडियो में बताएंगे, और उसने उसकी माँ और बेटी को कैसे फंसाया ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। तो हुआ दरअसल यह कि 26 सितंबर को एक 15 वर्षीय लड़की का शव गोरखपुर के कैपियरगंज थाना क्षेत्र में फांसी पर लटक रहा था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर गई, लोगों ने समझा कि ये तो भाई सुसाइड का केस है। पोस्टमार्टम के लिए जब जाती है लाश तो वहां से रिपोर्ट जो आती है तो पुलिस वाले चक्कर में पड़ गए, क्योंकि उसमें सुसाइड के कोई संकेत नहीं थे, उसमें हत्या की आशंका, हत्या की रिपोर्ट आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात कही गई थी। लड़की के पिता आते हैं जो मुंबई में थे, काफ़ी दिनों से कार्यरत थे अपने परिवार को पालने के लिए। माँ और बेटी कैपियरगंज थाना अंतर्गत रहते थे, तो उनके गांव में एक व्यक्ति आता था भूसा देने। उस भूसा देने वाले व्यक्ति के साथ में उस 15 वर्षीय लड़की की माँ के संबंध बन गए, जो गांव में भूसा देने आया था उसके साथ में। जब उससे संबंध बने, उसने बाद में उस व्यक्ति ने उस नाबालिग 15 वर्षीय बच्ची को भी फंसा लिया और उसके साथ में भी संबंध बना लिए। दोनों लोगों को ये बात पता नहीं थी, माँ बेटी को ये बात आपस में नहीं पता थी। माँ को ये नहीं पता था कि इसके संबंध मेरी बेटी के साथ में है, बेटी को ये नहीं पता था इसके संबंध मेरी माँ के साथ में है। एक दिन अचानक जो है उसकी बेटी को पता चल गया, तो बेटी पहले तो गुस्सा हुई, लेकिन उसने फिर हिम्मत से काम लिया और उस व्यक्ति से कहा, सुनील गौड़ा नाम का व्यक्ति था जो भूसा देने आता था उनके गाँव में, उससे उस 15 साल की लड़की ने कहा कि मेरे साथ में शादी कर लो, जिसको सुनकर के वो नाराज हो गया। उसने उसकी इसी बात पे हत्या कर दी, जिसमें उसने अपने एक सहयोगी का भी साथ लिया। अब दो लोगों ने मिलकर उस नाबालिग बच्ची के साथ में पहले गलत काम किया और उसके बाद में उसका शव फांसी पे लटका दिया ताकि लोगों को लगे कि इसने फांसी लगा ली है। खबर जब उसके पिता को मिली जो मुंबई में कार्यरत था, वो वहाँ से आया, उसने उसी व्यक्ति का नाम बताया सुनील गौड़ा का, और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो सुनील गौड़ा ने पूरी बात सही सही बता दी। तो ये घटना जो है काफ़ी दिल दहला देने वाली है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं घटनाएं, क्राइम पेट्रोल और जो सावधान इंडिया वगैरह सीरियल्स आते हैं उसमें ऐसी ही घटनाएँ दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेम घटना गोरखपुर के कैपियरगंज में कल सामने आई है। तो समाज के व्यक्ति और पुलिस वाले भी इस घटना को लेकर सकते में हैं कि जो है किस तरह एक व्यक्ति जो किसी के गांव में आता है, किसी काम से आता है, और किस तरह एक परिवार को बर्बाद कर देता है। थैंक यू।